Hey guys, आज हम जा रहे हैं अपना खेत जो है हमारा खेत उसमें से गेहूं निकलवाने जा रहे हैं। गेहूं खुद अपनी मशीन से निकालेंगे। ये हमारा ट्रैक्टर है जो आपने अगली वीडियो में देखेंगे एक वीडियो में, और ये हमारा अपना थ्रेसर है। हम गेहूं भी लोगों के निकालते हैं और साथ साथ आज अपने गेहूं इसी से निकालेंगे। अभी ट्रैक्टर और थ्रेसर आ गया है गेहूँ को रखने के लिए। अभी ट्रॉली आ रही है एक दूसरे ट्रैक्टर से और चलते हैं। अभी काफ़ी दूर है खेत और ये रास्ता है, इधर से जाएंगे। काफ़ी दूर अभी खेत है, खेत पे ये थ्रेसर खड़ा करेंगे, फिर ट्राली का इंतजार करेंगे। ट्राली जब आएगी तब उसके बाद निकलेगा गेहूं। तो कैसे किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है दिखाते चलेंगे। ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया है और इस समय हम खेत की तरफ रवाना हो गए हैं। ये ट्रैक्टर चला रहे हैं और काफ़ी कच्चा रोड है तो इसलिए इसमें ऑफ रोडिंग है तो तेज नहीं चला सकते हैं। ये मशीन है पीछे, काफ़ी जो सड़क है ये बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं। ऑफ रोडिंग तो ऑफ रोडिंग है और हम जहाँ रहते हैं उससे करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा खेत है। जिस जहाँ पर रहते हैं उसी रोड पर ही है, लेकिन अगले चल के ये रोड जो है ये ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ जाता है। और ये ट्रैक्टर हमारा सोनाली का 750 है जो बहुत ही ज़्यादा पावर है इस ट्रैक्टर में। आइए दूसरा गेट डाल लेते हैं। और ये हमारे गांव की नर्सरी है। काफ़ी ज़्यादा वीडियो हिल रही है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये ऑफ रोडिंग है और हमारे पास अभी गिम्बल का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये देखिए ये 10 की स्पीड से भी चल रहा है सिर्फ ट्रैक्टर। गन्ने की बुआई हो चुकी है और गन्ने का कल्ला भी निकल आया है और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इधर का, जो कैमरे में सही से कैद नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, इधर खेत पे आने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, किसान लोग हैं। खेत पे पहुंच चुके हैं और ये देखिए कि लीलगा ने कितना ज़्यादा खेत का नुकसान कर रखा है। ये कटा हुआ है और ये देखिए ये कितनी बर्बादी छाई है पूरे खेत में। ये देखो और ये लाख है, ये जैसे इकट्ठा कर दिया जाता है गेहूं को अब, और ये उठा उठा के लेके आ रहे हैं, ये यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। यहीं ये मशीन लगेगी और फिर इस मशीन में ये डलेगा, फिर इसमें से गेहूँ निकलेंगे। ये उठा उठा के लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से ये गेहूं का प्रोसेस जो होता है चलता रहता है और जब गेहूं निकलेंगे तो वही हम बताएंगे। अभी जो उठा उठा के लेके आ रहे हैं, अभी यहाँ पे ढेर लगाना है इनको और ढेर लगाने के बाद में फिर मशीन चलेगी। सारे काम हो गए लेकिन पल्ली भूल गए, इस पर गेहूँ गिरे ना, इसलिए बाइक से पल्ली ले जा रहे हैं। ये देखिए पीछे कितनी धूल उड़ रही है। बाइक चलाना भी बड़ा ये देखिए दूर पीछे आते हैं और फोन को रखते हैं जिम में, कहीं गाड़ी भी गिरे, फोन भी गिरे और हम भी गिर जाए। अभी हम लोग जो हैं बाग में आ गए हैं और वो जो मशीन अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें इकट्ठा होने में। और ये देखिए कितना खूबसूरत बाग है।
बहुत सारे आम हम लोगों ने इकट्ठे कर रखे हैं। अब ये देखिए मोटे मोटे मिलने, और ये देखो इनकी दोनों जेबें भरा हुई हैं। दिखाओ जेबें दिखाओ, सब भरे हुए हैं। कुछ बोले आप, कुछ बोले कि पहली बार आम खा रहे हैं आज? हम पहली बार आम खा रहे हैं। और इनकी भी जेबें भरा हुई हैं। अब बाग से निकल रहे हैं भाई, चटनी के लिए बहुत सारे आम हो गए। और हमारी भी एक जेब भर गई है। हम किसी को भी एक भी आम नहीं देंगे। क्या कह रहा हो तुम ऐसा नजर बेटा? हम सारी चटनी हम ही खाएंगे हम तीनों, और किसी को नहीं देंगे। किसी ने मांगा तो उसको मारेंगे। इकट्ठा हो गया लोग, और उसके बाद ये मीटिंग चल रही है। लेके जा रहा हूँ, ये धूल उड़ रही है।